दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज फिर दरोगा से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आया है। जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अभी फिजिकल होने वाला है, तो बिहार दरोगा से भी आया है, आज ही न्यूज़ आया है। मैं आपको न्यूज़ पढ़ाना चाहूँगा। बहुत से लड़कों का कमेंट था कि सर इससे क्या होगा, ये तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट पर लगे रोक को हटाने से कोर्ट का इंतजार, जो अभी तक कोर्ट कह रहा था, बार बार दबाव बनाया जा रहा था कोर्ट पर। मैंने बोला था कि फिर से दबाव बनाया जाएगा लोगों के द्वारा, और ये कौन करता है, ये विधायिका ही करता है जो नई पालिका को दबाव बनाता है। पर नए पालिका ने इस यहाँ निष्पक्ष बोल दिया है। क्या बोल दिया है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 1717 दरोगा पद पर होने वाली बहाली के परिणाम पर लगाई रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई तारीख 18 सितंबर को तय की है। तो बहुत जल्द ही फिर आपको न्यूज़ एक मिलने वाला है। शिवाजी पांडे जो है न्यायमूर्ति के एकल पीठ है, रमेश कुमार और अन्य उम्मीदवार जो कि दायर किया गया था, जो हम लोग की तरफ से याचिका दायर किया गया था, उससे उसमें सुनवाई की तो 5 सितंबर को कोर्ट दरोगा बहाली प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था। लेकिन अदालती आदेश के बाद की बहाली के अंतिम रिजल्ट को प्रकाशित करने का आदेश भी दिया गया था। कोर्ट ने बिहार पुलिस से सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। अदालती आदेश के आलोक में कमीशन की ओर से जवाबी हलफनामा दायर की गई। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आदेश को हटाने के लिए भी एक अर्जी दायर की। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई मंगलवार तक टाल दी है और बोला है कि अभी नहीं हटाया जा सकता है। मामला क्या है, मामला है कि जो आरक्षण की विधि अपनाया गया है, वो तरीका नहीं अपनाया गया है सही से। आप लड़कों को कभी, कोई कोई लड़का बोल रहा है कि मैं 80 पर ही हो जा रहा है, किसी का दरोगा मेंस आ गया है, कोई 60 पर बोल रहा है, कोई 50 पर बोल रहा है, कोई बोल रहा है सर हम 85 बनाए हैं फिर भी हमारा नहीं आ रहा है। तो ऐसे जाकर ये निष्पक्ष नहीं हो पाया है कि असल में कितना कट ऑफ मार गया है। आप नहीं मेरिट लिस्ट देते हैं, मेरिट मार्क्स भी बताते कि इतना मेरिट मार्क्स है तो लड़का सब मिला लेता, नहीं आप आंसर शीट मिलाने के लिए देते हैं, तो आखिर कैसा ये एग्ज़ाम होता है। बिहार पुलिस में भी ऐसा ही एग्ज़ाम होता है। तो आखिर डिमांड यही उठ रहा है बार बार। और जो लोग पास हो गए हैं, कमेंट किए थे पिछले वीडियो पर, जो लोग पास हो गए हैं कि सर ये सब क्यों ये बना रहे हैं वीडियो, ये न्यूज़ निकल रहा है। मेरा ड्यूटी है आप लोगों को न्यूज़ से अवगत कराना। और आप लोग कैसे जान रहे हैं कि आप फिजिकल में दौड़ने जाएंगे और आप फिजिकल निकालेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, ये आपका बेवकूफ़ी होगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। फिजिकल लिस्ट में तो जैसे बिहार पुलिस का भी जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला बार, बिहार पुलिस का भी जो बहाली हुआ है, उसमें भी फिजिकल निकाल कर लड़का और मेरिट लिस्ट में छट गया है, जो कि आप देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं पिछला बिहार पुलिस का। तो ये बिहार के जो धांधली का चल रहा है ये एक तरह से बहाली में, उसे आपको भी साथ में आना चाहिए। आपको ऐसा निगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए कि आप पास हो गए हैं तो लग रहा है कि आपका बहाली हो ही जाएगा। भगवान करे आपका बहाली हो जाए, आप दौड़ निकाल लें, आपका मेरिट लिस्ट लग जाए, लेकिन क्या उन लोगों के साथ आप नहीं खड़ा होंगे जो लोग छट गए हैं, उन लोगों के साथ खड़ा हुए हैं जो एक ही रूम में से 60-60, 70-70 लड़का आ गया है, रिजल्ट लगातार रिजल्ट आ गया है एक ही रूम से, उन लोगों के साथ आप खड़ा होना चाहते हैं, ये गलत है। आप खड़ा हुई साथ में, आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। आप सही हैं तो कभी भी नहीं रुकेगा, गलत हुए तो आज सही भी, आज गलत हैं तो आज रिजल्ट आ जाने के बाद में भी आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट रुकेगा ही। तो ये था न्यूज़, मैंने सोचा आपको न्यूज़ दे दूँ कि अभी इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट से हटाने के लिए। तो कैसा लगा न्यूज़ जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और जो निगेटिव वाले थॉट वाले हैं ना, वो अपना निगेटिव खुद के पास रखे रहें, 30 मार खा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भी न्यूज़ पर वीडियो बनते रहता है, इससे स्टडी मूड पर, स्टडी मूड खासकर बिहार के लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।